छत्तीसगढ़ नमस्कार, सीजी इंडिया न्यूज 7 डेज में स्वागत है आपका। बेटे ने आचार संहिता का पालन करते हुए अपने पिता की बनाई बरसी। छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले के नगर पंचायत नई देदरी के ईएलसी चर्च के सदस्य ने अपने पिता की प्रथम पुण्यतिथि पर आचार संहिता का पालन करते हुए एक शोक सभा का आयोजन किया था, जिसमें चर्च के सदस्य परिवार जान और ईस्ट मित्रों के साथ रात्रि भोजन का भी आयोजन की व्यवस्था लाल परिवार द्वारा की गई थी। लाल परिवार के लोगों ने स्वर्गीय समूह लाल के बारे में मीडिया को जानकारी से अवगत कराया और उनकी मृत्यु के बारे में बताते हुए शोक सभा रखने के बारे में बताते हुए कहा कि यह शोक सभा मेरे पिता की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर रखा गया है, जिसमें समाज के लोगों द्वारा प्रार्थना सभा गीत और शोक संदेश समाज द्वारा दिए जाने और आत्मा की शांति के लिए रखा गया था। इस अवसर पर एमएमसीबी जिले के संयुक्त मासी सेवा समिति के अध्यक्ष संजीवन लाल और लाल परिवारों ने हमें जानकारी से अवगत कराया। इस अवसर पर मसीह समाज के सभी बड़ी संख्या में लोग और उनके चाहने वाले उपस्थित थे। आर स्टेफन की खास रिपोर्ट। मेरा नाम सिमोन लाल। कार्यक्रम हमारे कलीसिया के द्वारा किया गया है। मेरे पिता के एक वर्ष आज के दिन मृत्यु हो गई थी, उनके पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में प्रार्थना सभा का आयोजन किया जा रहा है। अभी तक हम लोग 10 सालों से करते आ रहे हैं, 20 सालों से कन्वेंशन होता आ रहा था, लेकिन आज हमारे पिता की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में ये किया गया। आज यही खास विशेषता है कि आज मैं काबिल हूँ, मेरी बहन इतने काबिल है कि इतना एक सभा को हमको करवाते हैं। मेरी माँ है, मेरी बहन है, मेरे चाचा है, सभी आए हैं। मैं हमारे परिवार के, हमारे मंडली के आयोजन करीब 5 लोगों के आयोजन किया गया। बाहर से कुछ लोग आए, आस पास के क्षेत्रों से कुछ लोग आए। नई गतिविधि 1960 में हुई है और ये इमरजेंसी मिशन के द्वारा स्थापना की गई। जल्दी ये जल लूटन चल छिंदवाड़ा के द्वारा इसकी स्थापना की गई। आपसी प्रेम और आपसी प्रेम व्यवहार पूरे समाज में बना रहे।